हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं हीरो होंडा पैशन प्लस की स्पीडोमीटर असेंबली, और आज हम इसी को अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कैसा क्या स्पीडोमीटर हमें देखने को मिलता है। और किसी भी बाइक के स्पेयर पार्ट्स आपको परचेज करना हो तो स्क्रीन के नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे दोस्तों, उन पे आप कॉल करके स्पेयर पार्ट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे सामने सुप्राजीत कंपनी का पैशन प्लस का स्पीडोमीटर। ऊपर से बॉक्स के बारे में कुछ डिटेल्स जाने तो ये हमें बॉक्स देखिए, सामने साइड से हमें सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड लिखा देखने को मिल जाएगा। और इनकी हमें रेंज के बारे में और भी डिटेल्स दी गई हैं कि जैसे ये क्या क्या बनाते हैं। ये स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, फ्यूल गेज, फ्यूल टैंक यूनिट, कंट्रोल केबल्स भी दोस्तों इनकी हमें देखने को मिलती हैं। और दूसरे साइड से बॉक्स पर बात करें तो सुप्राजीत ऑटोमोटिव इंस्ट्रूमेंट्स लिखा देखने को मिल जाएगा। आइए दोस्तों, अब डायरेक्ट इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, अंदर से हम देख लेते हैं मेन स्पीडोमीटर। तो दोस्तों, ये आ चुका है हमारे हाथ में मेन स्पीडोमीटर। और सामने से बात करें तो बहुत ही शानदार फिनिश के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ लेफ्ट साइड में हम देखें तो यहाँ पर हमें स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में बात करें तो यहाँ पर हमें फ्यूल मीटर देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें फ्यूल इंडिकेशन शो करता है कि हमारी बाइक में कितना क्या पेट्रोल बचा हुआ है। नीचे तरफ उसके बात करें तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में न्यूट्रल वाली लाइट, राइट हैंड साइड में हेडलाइट ऑन ऑफ वाली लाइट देखने को मिल जाएगी। और बिल्कुल डाउन साइड में बात करें तो लेफ्ट और राइट टर्न इंडिकेटर वाले हमें इंडिकेशन लाइट देखने को मिलेगी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाली, राइट हैंड साइड में राइट वाली। और पूरा स्पीडोमीटर हमें व्हाइट कलर के डायल के अंदर देखने को मिलता है, जो कि पैशन प्लस में टिपिकल व्हाइट कलर का ही डायल आता है। अब दोस्तों, बैक साइड से बात कर लेते हैं इस स्पीडोमीटर के बारे में। तो बैक साइड में देख लीजिए, ब्लैक कलर का पूरा हमें फाइबर पार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें क्यूसी पास भी लिखा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो सुप्राजीत के पूरे प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्वालिटी चेक होने के बाद ही हमारे तक पहुँचते हैं। और साथ ही साथ बैक साइड में स्पीडोमीटर का जैक, यहाँ पर स्पीडोमीटर केबल आप फिट कर सकते हैं। और आपको नीचे तरफ यहाँ पर तीन स्टड्स इसके देखने को मिल जाते हैं, जिनकी मदद से आप इसे गाड़ी के अंदर इसको फिट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी मीटर वायरिंग को देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर हमें दोस्तों एक दो पिन का कपलर देखने को मिलता है, और बाकी दोस्तों सिंगल सिंगल करके इसके अंदर हमें टोटल छह वायर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि एक हमें स्काई ब्लू कलर का देखने को मिलता है, एक हमें डार्क ब्लू कलर का देखने को मिलता है, एक ब्लैक कलर का देखने को मिलता है, एक ब्राउन कलर का है, एक ऑरेंज कलर का है, और एक हमें ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। और जो कपलर की वायरिंग है उसके अंदर हमें ग्रीन रेड का एक वायर है और व्हाइट येलो का एक वायर है, दो वायर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल वायर की बात करें तो टोटल वायर हमें इसके अंदर आठ देखने को मिल जाते हैं विद कपलर को ऐड करके। और दोस्तों, बैक साइड से स्पीडोमीटर में दिखाने को कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक वार्निंग लिखी गई है, ऑलवेज कीप द इंस्ट्रूमेंट अपराइट टू अवॉइड डैम्पिंग ऑयल लीक। और दोस्तों, बैक साइड में आपको स्क्रूज भी देखने को मिल जाते हैं दो, जिनकी मदद से आप कभी फ्यूचर में इसे ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों स्पीडोमीटर के जो बल्ब दिए गए हैं फ्यूज हो जाते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए आप इन्हें ओपन करके और उन्हें चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, बाकी यही था पैशन प्लस का स्पीडोमीटर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए। किसी भी तरह की दोस्तों आपको वीडियो रिलेटेड टॉपिक हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी भी बाइक के स्पेयर पार्ट्स परचेज करना हो तो आपकी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, उन पर कॉल करके स्पेयर पार्ट्स आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।